एवरीवन, आज हम बेसिक इंग्लिश वर्ड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रंटेड, ग्रंटेड मतलब होता है स्वीकार करना। एड इंटरिम मतलब होता है अस्थायी, टेम्परेरी, है ना। लीजिमेंट मतलब होता है वैध तरीके से। एक्विटेट मतलब होता है हटाना, रिमूव। रिमूव भी बोल सकते हैं, इसका नया वर्ड एक्यूकेट, ठीक है। अनलॉफुल मतलब अवैध या गैर कानूनी। प्रोमुलिगेट मतलब घोषित करना, जारी करना, है ना, कुछ भी कानून या एक्ट। मेक नाउन मतलब सार्वजनिक करना, डिक्लेयर मतलब जारी करना, पास मतलब पारित करना। ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं, बस अलग अलग रूप में बताया गया। असेंट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्रॉड, कंसेंट, कैरिड आउट, एग्जीक्यूट, है ना। इन सब का मतलब होता है स्वीकृति। रिसेंटली मतलब हाल ही में, बेसिकली मतलब मूल रूप से, सर्टेनली मतलब जरूरी। जब भी आपको इसे बोलने का मौका मिले तो आप जरूर इनको बोलिए, जैसे रिसेंटली, हाल ही में, अभी, है ना, हाल ही में जैसे ये न्यूज़ चल रही। बेसिकली मूल रूप से, हम बेसिकली, है ना, सर्टेनली, इस तरीके से आप छोटे छोटे वर्ड बोल के आपकी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे वर्ड याद नहीं करोगे तब तक इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाओगे। अभी आपको मैं इंग्लिश की एक बुक दे दूँ के दे दो, या कोई भी आपको एक बुक दे दे और उसको बोले कि पढ़ो, तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को वर्ड ही नहीं पता है कि इन वर्ड का मतलब क्या है। तो आप किसी से भी रिलेटेड बुक कैसे पढ़ोगे इंग्लिश में, है ना। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे वर्ड का इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या है। जब आपको छोटे छोटे वर्ड याद हो जाएंगे, जैसे मान लो कुछ अपन पढ़ रहे, कुछ आर्टिकल या कुछ बुक, उसमें आ गया एक्रोड या असेंट, असेंट पढ़ा आपने शब्द, तो असेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। जब आप किसी भी पेपर में या बुक में पढ़ेंगे तो जब असेंट शब्द आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है स्वीकृति। इसी तरीके से छोटे छोटे शब्दों को अगर आप याद करोगे तो आप बड़ा पैराग्राफ या बड़ी बुक आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ओके। और अगर आपको कुछ नए वर्ड आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि कौन से वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। ये थोड़े अलग थे, अभी तक जो प्रीवियस वीडियो उसमें डेली रूटीन के वर्ड थे, आज थोड़े अलग न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे, पर ये भी ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर आप कंटिन्यू रहते हो, पढ़ते हो, तो आपको ये वर्ड का हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ओके।